गार्लिक चीज़ी मसाला पाव, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही कम टाइम में बनकर भी रेडी हो जाती है। और आज हम इसको बिना ओवन के बनाएंगे, पैन में, गैस पे, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद काजल। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये चार पाव लिए हैं, जिसमें मैंने बीच में अच्छे से कट लगा दिया है। आपको इसमें बीच में कट लगाना है, इसी में अपनी फिलिंग करेंगे हम। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें गार्लिक बटर रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मेल्टेड बटर लिया है, इसमें आधा छोटा चम्मच ऑरिगेनो और आधा छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया है और 1 चम्मच चॉप्ड गार्लिक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारा गार्लिक बटर बनके बिल्कुल रेडी है, इसी तरीके से हमें इसको बनाना है। तो अब इसके लिए एक हम फिलिंग रेडी करेंगे। तो जिसके लिए मैंने एक बाउल में यहाँ पर ये आधा छोटा कटा हुआ प्याज लिया है और 1 छोटी मीडियम साइज़ की कटी हुई शिमला मिर्च और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और यहाँ पर ये 1 छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, नमक हमें यहाँ पर थोड़ा ही ऐड करना है और 1 बड़े चम्मच मेयोनीज और 1 चम्मच टमाटो केचप। अगर आप केचप नहीं पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। तो आपको ये बाहर से लेके खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको घर में बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब यहाँ पर जो हमने पाव में कट लगाया था उसमें हम थोड़ा सा गार्लिक बटर ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपको अंदर तक इसको अच्छे से ऐड करना है। चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए बटर को। अब जो हमने फिलिंग रेडी की थी वो इसमें भर देनी है। तो इस तरीके से इसको अंदर तक अच्छे से फिल कर देना है। इस तरीके से आपको चम्मच से अच्छे से इसको फिल कर देना है। बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आएगा इसमें, बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बच्चों से लेके बड़ों तक को सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस तरीके से मैंने सारी फिलिंग को ऐड कर दिया है, थोड़ी सी आपको बीच में भी ऐड कर देनी है। भी बिल्कुल रेडी है। तो अब जो बटर था वो थोड़ा सा हमें इसमें ऊपर से भी ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपको चारों तरफ से अच्छे से इस बटर को स्प्रेड कर देना है। अब इसमें ऊपर से हमें मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है। चीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ी ज़्यादा रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस तरीके से चीज़ अच्छे से ऐड कर देनी है। अब ऊपर से थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो भी हमें अच्छे से स्प्रेड कर देना है, हल्का सा। बिल्कुल तैयार है। तो अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, आप चाहो तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो अब पैन में चारों तरफ से हमें गार्लिक बटर को अच्छे से ग्रीस कर देना है। और आपको ये रेसिपी मीडियम टू लो फ्लेम पर बनानी है, तो आपको इस टाइम पे अपने गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और थोड़ा सा इसमें ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देना है। और ये थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच से भी कम पाव भाजी मसाला, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आप ये पाव बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे खाने में, नीचे से और ऊपर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। तो
अब जो हमने अपने पाव रेडी किए थे हम इसमें वो ऐड कर देंगे। इसको इस तरीके से रख देना है और अब इसको 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इस तरीके से कवर करके रख देना है ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए 7 से 8 मिनट के बाद चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। बस इसको ज़्यादा हमें नहीं कुक करना होता है, हमारे चीज़ी पाव बनके बिल्कुल रेडी है। और एक बार आप इस तरीके से चारों तरफ से पाव को हमें पैन में घुमा लेना है ताकि जितना भी बटर वगैरह लगा है वो इसमें अच्छे से ऐड हो जाए। तो गार्लिक चीज़ी मसाला पाव बनके बिल्कुल रेडी है। इस टाइम पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो है ना बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है ये और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसमें चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हुई है। देखिए इसको कट करके देखते हैं। आप इसको माइक्रोवेव भी बना सकते हैं लेकिन ये कढ़ाई में बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत ही कम टाइम में बनकर ये रेसिपी रेडी हो जाती है। देखिए चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हुई है। और ये नीचे से भी इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आया है। तो आप इन रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इन पाव में हमें थोड़ा सा ऊपर से ओरिगैनो ऐड करना है और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब इसको और भी ज़्यादा अच्छा लुक देने के लिए इसको मेयोनीज से गार्निशिंग करेंगे। तो आप स्ट्रीट स्टाइल मसाला चीज़ी गार्लिक पाव बहुत ही आसान तरीके से घर में बना सकते हैं। तो ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।